महज एक आम जिंदगी को बचाने के लिए जिला प्रशासन कांगड़ा जिस तरह से रात दिन एक कर रहा है, चॉपर्स के जरिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, सैकड़ों मॉनिटरिंग को सुराग ढूंढने के लिए लगा दिया गया है, ये वाकया में ही अपने आप का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है जो इन दिनों न केवल कांगड़ा जिला से ऑपरेट किया जा रहा है बल्कि उसमें अब कुल्लू जिला और चंबा को भी शरीक कर लिया गया है। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन किसी बीपीआईपी के गुमशुदी के बाद नहीं हो रहा बल्कि बैजनाथ के बीड़ स्थित चौगान निवासी उस आम शख्स के लिए शुरू किया गया है जिसे पैराग्लाइडिंग का शौक है और बीते एक दशक से पैराग्लाइडिंग कर रहा था और 5 दिन पहले उसकी ओर से बिलिंग से सोलो फ्लाइंग की गई थी, मगर दोबारा बिलिंग में लैंडिंग करने के बजाय वो उन बिलिंग की वादियों में कहां खो गया आज तक उसका पता नहीं चल पाया। जिला प्रशासन प्रमुख जिलाधीश राकेश प्रजापति भी मान रहे हैं कि कुछ सालों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा खोजी अभियान है जिसमें सैकड़ों की मेन पावर के साथ साथ मशीनरी भी 2400 घंटे काम कर रही है, साथ ही इसमें कांगड़ा की बजाय दूसरे जिलों की भी मदद ली जा रही है। बावजूद इसके अभी तक लापता हुए पायलट का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। काबिले गौर है कि कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के हब के तौर पर जानी जाती है, यहाँ मॉनिटरिंग, जिपलाइन, कैंपिंग, ट्रैकिंग समेत पैराग्लाइडिंग भी होती है। ऐसे में हर साल यहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और अमूमन हर साल यहाँ कोई न कोई सैलानी लापता हो जाता है जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन हर बार लोगों को और सैलानियों को भी अलर्ट करता है। बावजूद इसके हर साल इस तरह के हादसे पेश आ जाते हैं जिससे जिला प्रशासन को लापता हुए सैलानियों को खोजने और रेस्क्यू करने में बेहद कड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में कांगड़ा जिला प्रशासन को 73 के करीब सैलानियों को भारी बर्फबारी से भी रेस्क्यू करवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। देखिए, पिछले 4-5 दिन से पूरा प्रयास किया जा रहा है और पहले दिन हमारी कुछ लोकल टीम्स गई हुई थी, उसके बाद प्राइवेट चॉपर से भी उस एरिया का रेकी किया गया, कुछ एरिया को ट्रैंगुलेट भी किया गया कि इस एरिया में हो सकते हैं, और पिछले 2-3 दिनों से हमारे एयरफोर्स के चॉपर्स लगे हुए हैं, हमारे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के लोग गए हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी कोई हमें सुराग इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरा प्रयास मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 सालों में जो सबसे बड़ा प्रयास किया गया है ऐसे किसी व्यक्ति को जो मिसिंग हुआ है इन पहाड़ों में, उसके अनुसार से सबसे बड़ा प्रयास इस वक्त किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, चॉपर्स लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि अगर कहीं भी कोई सुराग मिलता है तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। हमने कुल्लू साइड से, हमने चंबा के साइड से, हर साइड से और हमारे कांगड़ा के साइड से तो प्रयास चल ही रहा है, तो सभी लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। बहुत बड़ा बड़े लार्ज स्केल पर ये ऑपरेशन चला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई हमें लोकेशन मिले और उनको हम जीवित निकाल पाएं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो कोई सुराग नहीं मिला है। सर, कहां के रहने वाले? ये चौगान गांव है आपका, बीड़ में, वहां से हैं।